हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मेरा बच्चा सोने के लिए बेड पे रेडी नहीं था, तो मैंने सोचा अपने साथ ही उसको ऐसे कैरी कर लेती हूँ। तो आप देखना चाहते हैं वो किस तरीके से मेरे साथ ऐसे लगा हुआ है। ये देखो, क्यूट सा बेबी मेरा। क्यूट क्यूट भी, चलो 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 चलो। अभी ये सो रही है और एकदम टेडी बेयर की तरह, छोटा सा टेडी बेयर कैरियर बैग में ऐसे हैंग करके मैं इसको लेके घूम रही हूँ, सो दैट आई कैन ऑल्सो वर्क प्रॉपरली फ्रीली। तो मेरा भी काम हो जाएगा आराम से, मैं भी काम कर पाऊँगी और इसको भी तब तक मम्मा चाहिए, मम्मा की गोदी चाहिए, तो इवन वो भी आराम से मम्मा की गोदी रहेगी। और पकीनी जब आ जाएगी तो आई विल मेक हर स्लीप ऑन द बेड। तब तक के लिए उसको ऐसे एंजॉय करने देते हैं और मैं अपना करती हूँ काम फ्रीली। ये बेबी कैरियर बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और ये है फ्रॉम लव लैप। यू कैन गेट इट फ्रॉम अमेजोन और यू कैन गेट इट फ्रॉम एनी स्टोर जहाँ पे बेबी प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल फॉर बेबी एज वेल एज फॉर मदर एंड इट कम्स विद दिस वेस्ट बेल्ट। तो इसमें बैक पे भी सपोर्ट होता है, तो बिल्कुल आई हाईली रिकमेंड फॉर न्यूली मदर्स। और यू कैन ऑब्वियसली ऑप्ट फॉर दिस वन। सो रूम, ये है मेरे मॉम का रूम जिसमें मैं अभी रह रही हूँ। यहाँ से होता है एंट्रेंस। ओके, ये एंट्रेंस पे ही वार्डरोब सेक्शन है, ये वहाँ मेरी बैग रखी हुई है। ये मेरी मॉम डैड का रूम है। अभी मैं इसलिए यहाँ पे सोती हूँ क्योंकि पापा के जाने के बाद यहाँ पे कोई नहीं सोता। पापा लास्ट ईयर ही पास्ड अवे ऑन 7th of December और तब से मम्मी इस रूम में सो नहीं पाई है बिकॉज मम्मी को पापा की बहुत याद आती है। तो इसलिए अब मैंने तो डिसाइड किया था कि इस बार अब मैं जाऊँगी तो पापा के रूम में ही सोऊँगी बिकॉज इस रूम में बहुत सुकून है और मैं पापा की जगह पर ही सोती हूँ, इस साइड पर जहाँ पर पापा सोते थे। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत रिलीव्ड और रिलैक्स्ड फील होता है, बहुत सुकून है। खैर, अपने घर में सुकून अलग ही होता है बट पापा के रूम में, पापा की जगह पर बहुत ही सुकून मिलता है। और ये है इनका बेड। यहाँ हर जगह पे कहीं कहीं मेरा सामान भी होगा बिकॉज अभी मैं यहीं पर हूँ। ये मेरे ऑर्गेनाइजर्स हैं यहाँ पर, यहाँ पर मेरे मायरा का सामान है। ये है फक्की जो हमारे और ये है फक्की जो हम सिंधीज में आफ्टर डिलीवरी डाइजेशन के लिए खिलाते हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड फॉर डाइजेशन। और ये साइड है बेड, वो साइड पे दिविशा का बैग पड़ा हुआ है क्योंकि उसकी ऑनलाइन क्लासेस होती है, तो वो अपना बैग एज इट इज़ लेकर आई है। अगेन दिस बॉक्स हैज़ ऑल द असेंशियल बेबी के। और ये छोटा सा बेड मैंने बेबी के लिए बनाया है, मतलब मायरा के लिए, क्योंकि मैं बेड यहाँ पर कैरी नहीं कर रही थी। तो व्हाट आई डिड, कोई भी ऐसा ब्लैंकेट लेकर सॉफ्ट सा, उसके ऊपर मैंने बेडशीट बिछा दी और ये बेबी का बेड बन गया। और ऐसे मैं साइड से इसको रोल कर देती हूँ ताकि उसको अच्छे से सपोर्ट भी मिल जाए। ऐसे हम साइड से ऐसे फोल्ड कर देते हैं तो उसको थोड़ा सिक्योर फील होता है। सो दिस इज़ द वे आई मेक हर स्लीप। यहाँ पर उसका हेड आ जाता है तो आराम से वो सो जाती है। तो इस तरीके से मैंने उसका बेड रेडी किया हुआ है, क्योंकि हर जगह पे उसका बेड कैरी करना इट्स नॉट ईजी, सो दिस बिकम्स ईजी कोई भी ब्लैंकेट से, बेड शीट से लगा कर अच्छे से उसको आप बेड की तरह यूज़ कर सकते। यहाँ पर फिर से मेरा लगेज पड़ा हुआ है। फिर यहाँ पर है ड्रेसिंग टेबल, यहाँ पर छोटी सी बालकनी, बहुत ही अच्छी क्यूट बालकनी है विद स्लाइडिंग डोर, अच्छा सा व्यू भी आता है। सो उसके बाद यहाँ पर है टीवी यूनिट और ये आयरन बोर्ड ऐसे ही यहाँ पर रख दिया है, सो इट बिकम्स ईजी
और ये दिविशा ने अपने टॉयज यहाँ पर डेकोरेट करके रखे हुए हैं। बहुत ही ब्यूटिफुल से टॉयज हैं। जूसर, मिक्सर, जूसर, ये चलते भी हैं, इसे सेल डालो तो इसमें आवाज़ भी होती है बहुत अच्छे से। और ये थर्मोकॉल है जो ये रोटेट करने लग जाते हैं, सो ऐसे लगता है कि ये चल रहे हैं। और ये है फ्रूट जूसर, ये है कॉफ़ी मेकर, दिस इज़ केटल, वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पर ऐसे ही मेरा स्किन केयर पड़ा हुआ है। आई लाइक ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स, सो आई व्हेन एवर आई कम हियर तो मैं इस तरीके से ऑर्गेनाइजर बास्केट्स या ऐसे ऑर्गेनाइजर्स में ही रखती हूँ, बिकॉज मुझे मेस्ड अप बिल्कुल नहीं पसंद। ऑर्गेनाइजर पड़ा हुआ है ताकि यहाँ पे क्लोथ्स एकदम सॉर्टेड रहें, मेरे बैग एकदम टाइट पैक्ड रहते हैं, जो रेगुलर वेयर है वही मैं ये इसी के अंदर रखती हूँ, बाकी सब अंदर डंप। लंच में मम्मा ने बनाया है बैंगन आलू भुगे चावल। यहाँ पर मेरा बड़ा बच्चा खाना खा रहा है, गुड गर्ल की तरह। हाय मेरा बच्चा, देखो मेरे को दो बच्चे हो गए लग रहे हैं आपको शक्ल देख के, मेरे को दो बच्चे हो। मैं भी मम्मी के साथ ऐसे ही सोती हूँ, हाथ से खाना खाती हूँ। मैं बड़ी नहीं होने वाली, मेरे बच्चे 18 साल के होंगे तभी भी मैं ऐसे गोदी में ही मिलूंगी। एक जगह पर रहेगा बच्चा, ये है गिम्बल जो यूज करता है कुशल फॉर फोटोग्राफी, जिससे स्टिल वीडियोज आती है बिल्कुल जितना भी मूव करो। प्लीज मुझे मत लेना, मेरे हाथों में कब रहा जस्ट द अपर पार्ट। कितना क्यूट है और कितना मस्त है। ये मिस्टर प्रोफेशनल है ना, इसलिए प्रोफेशनल फोटोग्राफी है ना। मैं पकड़ सकती हूँ, आप पकड़ोगे तो मिल बेबी। गया बेबी, उठ गया बेबी, बेबी। पैसे इतने पड़े हैं क्या? अरे मैं लेके देता हूँ, अरे मैं लेके देता हूँ, अरे नहीं मुझे नहीं। अब बचने का कोई चारा है नहीं, आदत ही डाल लेती हूँ। गंदी गंदी बैठी होती तो भी लेके आ जाती है, गंदी नहीं लगती ना। नानी का कपड़ा। Hey guys, अभी हम आए हैं मैकडीज इन सब लोगों के साथ, ये दो ही सब लोगों के बराबर है। चलो हम अब मैकडीज अपना एंजॉय करते हैं। पार्सल आया है अमेज़न से, लेट्स सी इसके अंदर क्या है। इसके अंदर से निकला है ये हगीज का डायपर का बड़ा पैक। हगीज आई हाईली रिकमेंड फॉर ऑल द न्यूली मॉमीज, मतलब नॉट फॉर मॉम्स बट ऑल द मॉम्स, आई हाईली रिकमेंड फॉर योर बेबीज। ऐसे बेबी का नेक पकड़ते आगे ऐसे टिल्ट करते हैं, स्ट्रेट नहीं थोड़ा सा आगे की तरफ ऐसे टिल्ट, फिर ऐसे पैक करते हैं तो जल्दी बर्ब आ जाती है बेबी को, तो
पेट में से सारी गैस निकल जाती है, फिर बेबी रिलैक्स हो जाता है, है ना माय बेबी माय रू। टू टाइम्स शी बर्प, clap your hands if you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, blink your eyes. Blink your eyes. If you're happy and you know it, blink your eyes. Blink your eyes. If you're happy and you know it, and you really wanna show it. If you're happy and you know it, blink your eyes. Blink your eyes. Parrot. इनको लगता है मुझे आता नहीं कैमरा पकड़ने, इनको लगता है कि ये ही सबसे अच्छे प्रोफेशनल है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बट मुझे भी आता है, मैं कहीं ना कहीं कैमरा में आ ही जाती हूँ, है ना भी? भी आ जाती हूँ, नहीं तो इसके कपड़े तो आ ही जाएंगे। ये भी आ जाएगी कहीं ना कहीं तो। I'm the queen. और मैं तो आ ही जाऊंगी, है ना भाई? और मायरा तो आने वाली भी, because she is the queen. गौर से देखिए इस लड़की को, इस लड़की का ड्रामा खत्म ही नहीं होता। पूरा दिन वड़ा पाव, पास्ता, नूडल्स और मैगी। मैंने अभी 3 पाव और पाव भाजी बनाई। तो अभी ये 3 पाव और भाजी खाएगी, सोचो। सोचते ही रहिए। और आज भी मैंने 1 पाव वड़ा खाया है, वड़ा पाव। जबकि हम, क्योंकि हम अहमदाबाद में हैं, दिल्ली में तो ये सब मिलता है। तो फिर मजा करने जा रहा है। यहाँ पे अभी पुडिंग भी बन रही है, नानी बना रही है। नानी, मम्मी ने बनाई सबके लिए पुडिंग। So that's all for this vlog. I hope you like this video and don't forget to subscribe to my channel for upcoming videos. So till then, take care, bye guys.